ने फरमाया तीसरी बात, अगर किसी का दिल करे मैया का बोसा लैन पे, दिल कर ही पैंदा ना, अपने प्यारियां नूं वेख के दिल कर ही पैंदा अपनी मैयत दा बोसा लैण दे। ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम दा बोसा जनाबे सिद्दीक ने लिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन जी दू फौत होए ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन दा बोसा लिया। मैयत दा बोसा लेना जायज़, अगर किसी का दिल करे अपना बाप है। मैं खुद अपने वाले साहब का बोसा लिया, मैयत का बोसा लेना जायज। अगे चलिए, जड़ा मर जाए ओदी तजियत किन्ना चिर करनी है, सोग किन्ना चिर मनाना है, ये भी जिंदियां का हक है, मैयत की जिम्मेदारी है। अबू दाऊद के अंदर रवायत आती है, सुना नसाई अंदर, मेरे अकाली सलाम दा चाचा जाद भाई हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो जद शहीद होए ना हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर उन्हां दे बेटे रवायत करदे ने अल्लाह दे पैगंबर सलाम दा जदू चाचा साद भाई हजरत जाफर शहीद होए तीन दिन गुजरे ना उन्हां दी शहादत नू, यानी दफन करन तो बाद तीन दिन, मेरे अकाली सलाम फरमांदे ने आई यातियाहुम सुम्मा अताहुम फकाला ला तबगु अला अखी बादल यौम। मेरे अकाली सलाम ने फरमाया अज तीन दिन हो गए ने, हुण तिना दिनों तो बाद मेरे भाई जाफर की तजियत करने वास्ते कोई ना आए, यानी इनू कोई ना रोए। जी असी सफ पाने ना फूड़ी जनवाने, ये तीन दिन अकाली सलाम ने पाई तो आपने चकवा दी। फरमाया तीन उंज ते वैसे साढ़े तजियत जिदू किसी का टाइम लगे नहीं कोई आ सकिया, बाद में आ गया, लेकिन जरा तरतीब ना बैठना तीन दिन। अल्लाह के पैगंबर सलाम ने तीन दिन तो बाद मना फरमा दिता। अल्लाह अकबर कबीरा, हूँ जड़ी बीवी है ना वो अपने खावन का सोग किन्ना मनाए। बुखारी मुस्लिम की रवायत है आम रिश्तेदार आम बरादरी वाले आम लोग अपने मुर्दे का तीन दिन सोग मना। अल्लाह के पैगंबर दी सौजाए मोहतरमा माजी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला ना बयान कर दिया ने आंदिया ने समेतु रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु ला यहिल्लु ली मरादिन तो मेनु बिल्लाही वल यौमिल आखिर तो हिद्दु अला मैयतिन फौका सलासिन इल्ला अला जौजिन अरबाता अशूरिन व अशरा। मेरे आका फरमाते ने अम्मा जी उम्मे हबीबा दिया ने मैं आमिना दे लाल अली सलाम बोलो सुने है, आका फरमाते ने किसे औरत वास्ते ए जायज नहीं हलाल नहीं जेड़ी अल्लाह ते ईमान रख दिए आखरत ते ईमान रख दिए के किसे दी मैयत ते तिना दिना नालो ज्यादा सोग मनाए इल्ला अला ज़ौजिन अरबाता अशहुरिन व अशरा। मेरे आका ने फरमाया हाँ खावन दे सोग दे चार महीने ते दस दिन सोग मनाए, जो कि साड़िया बीबिया नहीं मना दिया, साड़िया बीबिया नहीं मना दिया, आदिया ने मैं मजबूर हाँ की करा बाहर ना जावांगी ते बच्चे कितों पलन गए, और जे तू मर जाए तो फिर भी तो पलने ही ने ना, जे बाप टुर गया तो पलने ने, जे तू भी टुर जाएगी तो फिर भी पलने ने। शरीयत नूं दे अपने सामने रख अपनी मई अपने खावन का, यह भी तेरे ते हक है कि तू चार महीने दस दिन अपने खावन का सोग मनाए। तीन दिन तो बाद मेरे आका ने सोग नहीं मनाया। हाँ तकलीफ तो होंगी है परेशानी होंगी है, लेकिन तरतीब ना बैठे रहना, इस तो आका ने मना फरमाया। और साढ़े अंदर भी यह चीज़ा बड़िया आ गई, असं आने कट्ठ कर लेने और तो असी काम कोई नहीं करना जी, खत्म शतम तो नहीं दवाना, लेकिन असी कट्ठ कर लेने ताकि लोग इको बारी आऊँ रिश्तेदार ते टुर जान, ये देो ये कन भाए इधरों फड़ लो तो भाए इधरों पढ़ लो, इको ही गल है। इन्हां चीज़ों तो बाज आ जाइए, किताबो सुन्नत नूं अपने सामने रखिए। मेरे अकाली सलाम ने फरमाया आम रिश्तेदार की मौत ते तिना दिनों नालों ज्यादा सोग मनाना। हाँ जाओ जी कबर ते जाओ, जुम्मे वाले दिन बाप दी कबर ते जा,
बहुता दिल कर दई ते कबर दे जाके ओदे को दुआ कर। और मेरे महबूब पैगंबर सलातो सलाम ने फरमाया और साडे ते मैयत दियां जिम्मेदारियां की ने। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया फौत शुदा दे घर खाना पका के कलो। असी आने नहीं मरिया भी तेरा ते खाना भी तेरे घरों ही, तेरा एक मर गया दूजा हूं तेन उदू छड़ांगे जदू 5-7 लाख दे थले तू दबिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया इस नाउल आला जाफर इंज करो मेरे जाफर दे घर खाना पका के कलो, क्योंकि मेरे जाफर दे घर वालियां दे ऐसी मुसीबत आई है जिदी वजह तो वह खाना पकान दी उन्हां नू होश ही कोई नहीं। जिदा प्यारा दुनिया तो चला जाए उन्हू खाना कितों सुझदा है। आका अली सलाम ने फरमाया उहदे घर खाना पका के कलो तुहाडा हक बनदा है, जिहदे घर फौतगी होई है उहदे घर खाना पका के कलिया जाए। आइए थोड़ा जिहा अगे चलीए हुण मेरे ते तुहाडे पैगंबर अली सलाम ने फरमाया मुसलमान दा मुसलमान दे आखरी हक केवे ओदा नमाज़े जनाज़ा पढ़े। आखरी हक गुसल गुसल वगैरह ये सारा मैं दस दिता शॉर्टकट। हुण जनाज़ा पढ़े ते जेड़ा बंदा जनाज़ा पढ़दा है मेरे आका फरमांदे ने जिहदे जनाज़े अंदर 40 मुवाहद बंदे 40 मुआखद बंदे तुहीद परस्त बंदे रब ना शिरक ना करन वाले जिदे जनाजे अंदर टुर जान अल्लाह उनू माफ कर देंदे ने। और मेरे आका अली सलाम ने फरमाया जनाजा पढ़ने वाले बंदे नू सवाब किन्ना हुंदा है। फरमाया मन शाहिद अल जनाजा दा हत्ता युसल्ली फलहु किरादुन। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई दा जनाजा पढ़दा उन्हू एक किरात सवाब मिलदा है ते जेड़ा कबर अंदर दफन करके दुआ भी मंग के आउंदा है फलहु किरातान ओहदे वास्ते दो किरात सवाब है। की लावा मल किरातान आका किरात दो मुराद की है। फरमाया मिसलुल जबलैन अल अजीमैन मेरे आका फरमांदे ने दो बुलंदो बाला उच्चे बड़े पहाड़ इन्हां तो मुराद है। यानी अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया जनाजा पढ़ के आए एक पहाड़ दे बराबर अल्लाह तेनू अजर देवेगा, जे दफन करके दुआ भी मंग के आए अल्लाह दो पहाड़ा दे बराबर तेनू अजरो सवाब अता कर देंगे। ये जनाजा पढ़न की फजीलत है। हुण जनाजा पढ़ना किवें वे जनाजा पढ़ना किस तरह बहुत पहली दे गल है वे सानू जनाजा आउंदा ही नहीं 90-80% लोगों नू जनाजा आउंदा ही नहीं। ये अपने मुरदिया ने असी खयानत करने आ। अज किसे ना खयानत करेगा ना कल नू तेरे जनाजे च भी रब कोई लोग भेजे जाएगा जिन्हां नू जनाजा आउंदा ही नहीं होगा। फिकर पैदा करो और किसे वास्ते जाके रब को मगफरत दी दुआ करया कर। जनाजा पढ़ना किस तरह पहली बात जनाजा खामोशी ना भी जायज है ते बुलंदा आवाज नाल भी जायज है। दोनों तरीके ना सहाबा ने पढ़े नबी इस्लाम ने पढ़ाया। मैं दोनों तरह दी हदीस तुहाडे सामने रखन लगा बुखारी अंदर अबू दाऊद अंदर सुनन नसाई अंदर जामे तिरमिजी अंदर रवायत आउंदी है। मेरे आका अली सलातो सलाम दे सहाबा ने जनाजा पढ़िया हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नू बयान करदे ने आंदे ने सल्लई तू खल्फ अबने अब्बास रजी अल्लाह तआला अनु अला जनाजत फकरा बिफातिहा दिल किताबी व सूरत व जहर हत्ता अस्माना फलम्मा फरगा अखज़तु बियदी फसअल्तु सुम्मा काला इन्नमा जहरतु लितअलमु अन्नहा सुन्नत हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला नो नबी इस्लाम दे चाचा साद भाई ने अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफसरे कुरान मेरे आका अली सलातो सलाम दे चाचा साद भाई ने जनाजा पढ़ाया फकरा बिफातिहा दिल किताब अल्लाहु अकबर तो बाद सूरह फातिहा पढ़ी जनाजा पढ़ाया फातिहा पढ़ी व सूरत ते नाले दे नाल कोई दूसरी सूरत छोटी सूरत मिलाई। उस तो बाद वजहरा ते उन्हां बुलंद आवाज ना पढ़िया
सूरह फातिहा नाल कोई दूसरी सूरत उन्हें बुलंद आवाज ना पढ़िया ते सहाबी रसूल कहिंदा हत्ता आसमाना इन्नी उच्ची आवाज ना पढ़िया कि असा अपने कन्ना ना उन्हां दी किरात नूं सुन लिया उन्हां दी किरात नूं सुन लिया फलम्मा फरागा खज तो बेया देई जदों असी जनाजे तो फारग होए मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास दे हथों पकड़ लिया फासा अल तो हू मैं उन्हां कोलों सवाल कीता मैं कहा इन्ना मा जहर तू ऐ जिहड़ी तुसां उच्ची आवाज ना किरात कीती है इहदे बारे मैं सवाल कीता ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमांदे ने इन्ना मा जहर तू मैं इस वास्ते बुलंद आवाज ना जनाजा पढ़ाया लिता अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जनाजा पढ़ाया आका ने एक और जनाजा पढ़ाया हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नो बयान करते ने मेरे पैगंबर ने जनाजा पढ़ाया अला जनाजा तिन आका ने जनाजा पढ़ाया फाहफिज तो मिन दो आई ही मैं आका दे जनाजे दे विचों आपने बुलंद आवाज ना पढ़ाया ते मैं अल्लाह दे नबी कोलो दुआ सुन के याद कीती दुआ सुन के जनाजे विचों याद कीती टाइम वाबा हो गया मैं गल मुकावा अल्लाह दे नबी कोलो सुनिया दुआ कीती अल्लाह दे पैगंबर ली सलातो सलाम ने बुलंद आवाज ना जनाजा पढ़ाया और दूसरी हदीस जड़ी आस्ता आवाज ना खामोशी ना जनाजा पढ़ना मेरे पैगंबर तो साबित है हजरत अबू उमामा बिन सहल रजी अल्लाह तआला नो बयान करते ने अल्लाह दे पैगंबर दे विचों अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबा दे विचों एक बंदे ने सानू जनाब खबर दी है आंदा अन्न सुन्नत फिस सलाती अलल जनाजा दी अयो कबर अल इमाम सुम्मा यकरा बे फातिहा दिल किताब बाद तकबीरा हजरत अबू मामा रजी अल्लाह तआला नूं कहिंदे ने अल्लाह दे पैगंबर दे एक सहाबी ने सानू दसिया बेशक नमाज अंदर अल्लाह दे नबी दी सुन्नत है आका फरमांदे ने इमाम तकबीर कवे जनाजे अंदर तकबीर कवे अल्लाह दे पैगंबर ने फकारा अभी फातिहा दिल के दाब सूरह फातिहा पढ़े नाल कोई सूरत पढ़े अल्लाह दे पैगंबर ली सलातो सलाम ने फरमाया सिरन फी नफसी ही आस्ता आवाज नाल ए भी मेरे पैगंबर ली सलातो सलाम दी सुन्नत है फिर फरमाया सुम्मा युसल्ली अलन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं मुहम्मद दे दुरूद पढ़े वा यखलुसु दुआ लिल जनाजा दी फिर अपनी मैयत वास्ते मुखलस हो के रब को दुआ करे इत्थे हुण एक मैं गल समझाना चाहना खुदारा तनकीद नहीं बतौरे इसलाह मरदे वेले साडा हक बनता है ना अपने प्यारे वास्ते रब को रो रो के दुआवां करिए क्यों भाई हक बनता है ना मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत करता है जनाजा शुरू किया पहली तकबीर तो बाद भी पढ़ लिया दूजी तो बाद दरूद पढ़ लिया तीसरी आ गई मसनून दुआवां बननियां ने हुण दुआ पढ़न लगे अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यना व मय्यतना अल्लाह माफ कर दे साडे जिंदियां नूं ते साडे समझ आ रही है जमा दी जमा की थी ना दुआ अल्लाह साडे जिंदियां नूं भी माफ कर दे ते साडे मुर्दियां नूं भी मैयत अगे पई कल्ली एक बंदे दी मैयत पई अल्लाह हुण दुआ मंगणे पे सी अपने वास्ते अल्लाह साडे जिंदियां नूं भी ते साडे मुर्दिया नु भी ना अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गाइबिना अल्लाह जड़े हाजिर ने ते जड़े गायब ने सारिया नु माफ कर दे व ज़ाकरीना व उनसाना अल्लाह साडे मर्दो औरतां नु माफ कर दे ए दुआ हो गई जमा दी सारे वास्ते ते अगों की आख्या अल्लाहुम्मा मन अहयैताहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम अल्लाह जड़ा साडे जो जिंदा है ओनू इस्लाम ते रखी जड़ा मर गया ओनू ईमान दे मौत दईवा मन तब फैदा हूँ मिन्ना फता वफा हूँ अलल ईमान हूँ मैनू अपने ईमान ना दसो जिहड़ा अगे पिया उहदे वास्ते की मंगया भाई समझ आउंदी किसे गल दी कि नहीं इह ते दुआ सा मंगी सारिआं वास्ते ते जिहड़ा बेचारा अगे पिया उह जिहदे वास्ते टाइम कढ के आयो इहदे लई की मंगया जे
ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏ? फाहफिज तू मैनु दुआ ही अल्लाह दे पैगंबर दे कोलो सुन के मैं हिफज कीती ओ दुआ केड़ी है? अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू, अल्लाह इनु माफ कर दे दे ते रहम कर दे, वरहमहू वा आफी वा अफवन वा अकरिम नुसलहू वा वसे मुदखला, अल्लाहुम्मा अदखिलहू दा अल्लाहुम्मा अबदिलहू दारम मिन खैरम मिन दारही वा अहलन खैरम मिन मुर्दियां वास्ते मंगया करो, ये वास्ते जरूरी है, हक बनता है ना उसके वास्ते दुआ मंगिए। अगर किसी नूं नहीं आउंदी ते याद कर लो, अगर मैं गलत बयान नहीं करा तुहाडा हक बनता है मैनू पूछना मौली साहब यह बयान क्यों की जे, ये तुहाडे को दलील की है? अपने आइमां नू अपने मस्जिद के इमामां नू साडा हक बनता है, उन्हू कही जनाब मरदे वेले इन्हां वास्ते विचारियां वास्ते रब को लंबी दुआ कर दिया करो, अल्लाह मैनू तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सानू अपने मैयत दियां जिम्मेदारियां निभाउण की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।